प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, आज हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में ही आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स को देखा था, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ डेटा हो रहा था फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। आज हम लोग अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम लोग ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो मैथमेटिकल हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को जब हम लोग किसी ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो उसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप कहा जाता है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, नोटेशंस और मीनिंग। तो जहाँ भी कैपिटल एम इसमें भी हमें मिलेगा, उसका मतलब होगा मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय एचएल रजिस्टर पेयर। इट मीन्स दैट जहाँ कहीं भी एम दिखेगा, इसका मतलब ये है कि वो एक मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, और उस मेमोरी का लोकेशन कहाँ पर होगा तो एचएल रजिस्टर पेयर के अंदर में होगा। स्मॉल आर जहाँ कहीं भी होगा, इट मीन्स दैट 8-bit रजिस्टर की बात हो रही होगी। 8-bit रजिस्टर कोई भी हो सकता है, लाइक बी सी डी ई एच एल, जो 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास में। फिर रजिस्टर पेयर की बात जब भी करेंगे तो रजिस्टर पेयर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ रजिस्टर, मींस दो रजिस्टर को जब हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे, मींस जैसे बी और सी की बात करें तो ये बी सी क्या है, हमारा रजिस्टर पेयर है। तो एक रजिस्टर में 8-bit, तो दो रजिस्टर मिलाकर 16-bit। उसी तरह से आर एस की बात करें तो सोर्स रजिस्टर की बात होगी, आर डी मीन्स डेस्टिनेशन रजिस्टर, और ए डबल डी आर जहाँ कहीं भी होगा मीन्स 16-bit एड्रेस या 8-bit एड्रेस की बात हो रही होगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को। तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है ऐड आर। ऐड आर का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ रजिस्टर आर डेटा विथ एक्यूमुलेटर। मीन्स आप ऑपरेशन देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर जो है, जो भी कंटेंट एक्यूमुलेटर में होगा वो रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करेगा, एंड द रिज़ल्ट विल बी स्टोर्ड अगेन इन एक्यूमुलेटर। ये आपको याद रखना है कि कोई भी ऑपरेशन होगा उसमें एक डेटा किसी रजिस्टर में होगा, दूसरा हमेशा एक्यूमुलेटर में होगा, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसका रिज़ल्ट भी एक्यूमुलेटर में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि ऐड सी, ऐड सी में क्या है, आर आपका रजिस्टर सी है, तो सी में डाटा है 30H, और एक्यूमुलेटर में सपोज करिए पहले से पड़ा हुआ है 20H, तो दोनों आपस में ऐड होंगे, ए प्लस आर मीन्स 50H, और ये 50H कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर पे जाकर के स्टोर हो जाएगा। फिर ऐड एम की बात करें तो ऐड एम मीन्स क्या है कि जो डाटा है वो कहाँ है, मेमोरी में है, तो एच एल रजिस्टर पेयर उसके लोकेशन को डिफाइन कर रहा होगा, और उस एच एल रजिस्टर पेयर पे एड्रेस पे जो भी डाटा होगा वो डाटा लिया जाएगा और वो एक्यूमुलेटर के साथ एडिशन करेगा, और द रिज़ल्ट फिर से कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर पे। सपोज़ करिए कि एच एल रजिस्टर पेयर में एड्रेस 2050 है, तो 2050 मेमोरी लोकेशन पे जाएगा आपका पॉइंटर, वहाँ पे डेटा चेक करेगा क्या है, तो जैसे 10H पड़ा हुआ है वहाँ पे 8-bit डेटा, और एक्यूमुलेटर में पहले से मान लीजिए 20H पड़ा हुआ है, तो दोनों आपस में ऐड होंगे, तो 20 और 10 ऐड होगा तो क्या आएगा, 30H, और वो 30H फिर कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं ADI डाटा 8-bit। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ऐड इमीडिएट की बात हो रही है, ADI है, AD स्टैंड्स फॉर ऐड, I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट, तो इमीडिएट जैसे ही आया इसका मतलब 8-bit डेटा आपके पास में होगा। तो ये 8-bit डेटा एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा, और रिजल्ट फिर से कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। सपोज़ करिए कि एक्यूमुलेटर में डेटा 50H पड़ा हुआ है आपका, और ADI 70H कमांड दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 70H ऐड होगा किसके साथ, 50H के साथ, और जब एडिशन करेगा तो क्या निकल के आएगा आपके पास, 70 प्लस 50 मीन्स C0H निकल के आएगा। फिर उसके बाद ADCR करते हैं, इट मीन्स दैट ऐड विथ रजिस्टर डेटा विथ कैरी। ADC मीन्स ऐड विथ कैरी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो रजिस्टर का डेटा होगा, जो भी रजिस्टर में डेटा होगा वो, प्लस कैरी जो होगा वैल्यू वो, और प्लस एक्यूमुलेटर का डेटा, ये तीनों ऐड होंगे ऑपरेशन में। आप देख सकते हैं ये तीनों आपस में ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद कहाँ जाएगा, वापस से जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में जाकर के सेव हो जाएगा। सपोज करिए कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 सेट है पहले से, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 20 है, तो ये तीनों आपस में ऐड होंगे, तो क्या होगा, जैसे ADC सी है, तो मीन्स ऐड विथ कैरी विथ रजिस्टर सी डेटा, तो सी का डाटा 20H, एक्यूमुलेटर में डेटा पहले से 50H पड़ा हुआ है, और फ्लैग में वैल्यू 1 है, तो तीनों आपस में ऐड होंगे तो क्या निकल के आएगा, 71H, और ये डेटा कहाँ पे चला जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर में।
फिर ADCM मीन्स ऐड विथ कैरी, और डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो मेमोरी का लोकेशन कहाँ पे होगा, HL रजिस्टर पेयर में। फिर सपोज करिए यहाँ पे HL, देखिए नीचे ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि A प्लस मेमोरी का डेटा प्लस कैरी, और जो रिजल्ट होगा वो कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो सपोज करिए कैरी फ्लैग आपका 1 है, HL जो है वो 2050 है, मीन्स 2050 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है आपका, डाटा पड़ा हुआ है मेमोरी में, दैट इज़ 30H, और एक्यूमुलेटर में सपोज करिए 20H है, तीनों आपस में ऐड होंगे तो 30H प्लस 20H प्लस कैरी 1, तो 51H इन द एक्यूमुलेटर। तो रिजल्ट क्या होगा एक्यूमुलेटर में, 51H पड़ा हुआ रहेगा। फिर एक है ACI डाटा, ACI मीन्स ऐड विथ कैरी विथ इमीडिएट डेटा। तो यहाँ पे इमीडिएट डेटा जो भी एक्यूमुलेटर का वैल्यू प्लस 8-bit जो इमीडिएट डेटा होगा प्लस कैरी वैल्यू जो होगा, ये तीनों आपस में ऐड होंगे और द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड अगेन इन एक्यूमुलेटर। तो नीचे आप देख सकते हैं 30H प्लस 20H प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 51H, और ये 51H कहाँ पे चला जाएगा आपके एक्यूमुलेटर में। अब एक अगला इंस्ट्रक्शन है DAD RP। तो DAD RP का मतलब क्या है, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि HL का रजिस्टर, HL रजिस्टर पेयर में जो भी वैल्यू होता है वो रजिस्टर पेयर की वैल्यू के साथ ऐड होगा और रिजल्ट फिर से कहाँ चला जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में। सपोज़ करिए कि DAD D इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, D यहाँ पे रजिस्टर पेयर है, तो रजिस्टर पेयर में क्या होगा, तो D का मतलब D हो गया। तो सपोज़ करिए D में 1020H है, HL में 2050H है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, जैसा कि नीचे आप देख रहे होंगे 1020 कंटेंट जो भी HL रजिस्टर पेयर में 2050 है उसके साथ ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद आएगा रिजल्ट आपका 3070, और वो फिर कहां जाके सेव हो जाएगा, HL रजिस्टर पेयर में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद सबट्रैक्ट, अब जैसे एडिशन में हम लोगों ने परफॉर्म किया था ऐड R, ऐड M, ADI डेटा, ACI डेटा, तो जो भी चीज़ें थी सेम एज इट इज सब्ट्रैक्शन के लिए भी कमांड यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। जैसे 6 एडिशन के कमांड थे, सेम एज इट इज 6 सब्ट्रैक्शन के कमांड होंगे। जैसे देखिए सब्ट्रैक्शन R, ध्यान ये रखना है कि जो भी कंटेंट होगा, जो डाटा होगा, जैसे सब आर है, तो इसका कमांड क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्शन बी लिखेंगे आप, सब बी, तो इसमें क्या होगा, जो भी एक्यूमुलेटर का डाटा है उसमें से आपका जो भी गिवन रजिस्टर की वैल्यू होगी, डाटा होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा और रिजल्ट फिर से एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन देख सकते हैं A-R, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। सपोज करिए A में 50H है, B में 30H आपने डाल दिया, तो सब भी इंस्ट्रक्शन जब आप लिखेंगे तो क्या होगा कि 50H माइनस 30H द रिजल्ट विल बी 20H, और ये 20H कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा आपका। फिर सब्ट्रैक्शन M की बात करें तो इसका मतलब मेमोरी का जो कंटेंट है वो कहाँ पे होगा, HL रजिस्टर पेयर जो इंडिकेट कर रहा होगा लोकेशन मेमोरी में, वहाँ पे वो डाटा स्टोर होगा। सपोज करिए 1020H HL रजिस्टर पेयर का लोकेशन है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 50H है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1020 पे सपोज करिए 10H पड़ा हुआ है, तो 50H एक्यूमुलेटर का वैल्यू माइनस मेमोरी में वैल्यू जो पड़ी हुई है 10H वो माइनस होगा, तो रिजल्ट क्या आपका निकल के आएगा, 40H आएगा, और ये 40H कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। फिर SUI डेटा 8-bit, ये तो कमांड लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्ट्रैक्शन विथ इमीडिएट डेटा, डाटा इमीडिएट दिया हुआ है आपके पास में, तो A-8-bit डेटा ऑपरेशन होगा, A-8-bit डेटा, और रिजल्ट स्टोर कहाँ पे होगा, एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। सपोज करिए 40H आपके एक्यूमुलेटर में दिया हुआ है और आपने जो कमांड लिखा है उसमें SUI 20H लिखा है, इट मीन्स दैट कि जो इमीडिएट डेटा है वो 20H है, तो 40H माइनस 20H तो घटेगा तो क्या निकल के आएगा, 20H आएगा, तो वही एक्यूमुलेटर में 20H जाके स्टोर हो जाएगा। फिर एडिशन की तरह ही सिमिलर देखिए यहाँ पे, जैसे वहाँ कैरी था तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन विद बोरो और रजिस्टर। फिर नीचे देखिए सब्ट्रैक्शन विद बोरो मेमोरी के साथ में हो जाएगा, तो जैसे SBBR है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में से रजिस्टर की वैल्यू और माइनस, चूँकि बोरो तो लिखते नहीं है कैरी लिखते हैं, तो माइनस कैरी, यहाँ पे कैरी को ही सब्ट्रैक्शन में बोरो बोलते हैं, माइनस कैरी हो जाएगा, तो A-R-CY फिर रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो जैसे सपोज करिए SBBC लिखा आपने, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है, पहले से सेट है, C 20H है और A की वैल्यू 40H है, तो यहाँ पे क्या होगा, 40H-20H-1 जब इसको आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1FH आएगा, तो ये 1FH कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। उसी तरह से SBBM आपके पास है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेमोरी का कंटेंट होगा वो तो HL रजिस्टर पेयर इंडिकेट कर रहा होगा, वहाँ से एक डेटा ले लेंगे,
कैरी जो वैल्यू होगी वो ले लेंगे और फिर एक्यूमुलेटर में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज करिए कैरी फ्लैग वन है, एच एल की वैल्यू 2050 दे रखी है, तो इसका मतलब 2050 एच लोकेशन पे क्या होगा, डाटा, वो डाटा क्या है, 10 एच है और एक्यूमुलेटर में 50 एच है। तो आप एस बी बी एम का मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन विद बोरो फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, तो 50 - 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 3F, ये निकल के आ जाएगा आपका। और फिर जो सब्ट्रैक्शन का लास्ट वैल्यू है वो क्या है, एस बी आई डेटा 8 बिट, इट मीन्स दैट क्या होगा यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन विद बोरो विथ इमीडिएट डेटा, तो ए माइनस 8 बिट डेटा माइनस जो आपकी बोरो मीन्स कैरी की वैल्यू है वो, तो यहाँ पे फिर आप एस बी आई 20H लिखेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 50H एक्यूमुलेटर की वैल्यू माइनस जो डाटा आपका डायरेक्ट दिया हुआ है 20H और माइनस जो बोरो है आपका 1, तो माइनस 1, तो 2FH निकल के आएगा, वो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। फिर एक होता है डी ए डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, इसमें क्या होता है कि ये बी सी डी नंबर ऑपरेशन पे परफॉर्म जब होता है ऑपरेशन तो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसमें दो कंडीशंस होता है, पहला तो ये होता है कि अगर डी जीरो से डी थ्री एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसमें डी जीरो से डी थ्री बिट अगर उसका वैल्यू 9 से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और इंस्ट्रक्शन 6 जो है लोअर ऑर्डर 4 बिट्स जो है उसमें ऐड कर लेता है। और दूसरा कंडीशन है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ हायर ऑर्डर बिट मीन्स D4 से D7 तक अगर आपका जो एक्यूमुलेटर का वैल्यू है वो अगर 9 से ज़्यादा है तो कैरी फ्लैग यहाँ पे सेट हो जाएगा और इंस्ट्रक्शन जो है अपने में 6 ऐड कर लेगा। यहाँ पे गलती से ऐड 60 लिखा हुआ है, 06 है, टू द हायर ऑर्डर 4 बिट्स वहाँ पे ऐड कर देता है। तो अगर सपोज कर एग्जांपल भी दिया है, इफ़ ए इज इक्वल टू 00111011 39 BCD में दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है, एंड C इज इक्वल टू दिया हुआ है 0001 और 0010 12 BCD में लिख सकते हैं इसको। अब ऐड C अगर लिखा है तो A एक्यूमुलेटर का कंटेंट C के कंटेंट के साथ ऐड होगा और ऐड होगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 0100 और फिर इधर वाले को आप ऐड करेंगे लोअर वाले को तो 1011 और 1011 जो वैल्यू है आपके पास में। और नीचे सपोज करिए कमांड डी ए दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, आप बी वाला जो देख रहे हैं वैल्यू 1011 वो तो आपका क्या है बेसिकली 9 से ज़्यादा है, तो 9 से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा अपने में 6 ऐड करेगा, तो अकॉर्डिंगली क्या करेगा आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी 51 BCD। अब एक दूसरा फिर एग्जांपल लिया है कि ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, ऐड डी और डी ए, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो लोअर वाला जो है आपका वैल्यू वो पहले 1101 है, 1101 ग्रेटर देन 9 है, तो 9 है तो उसको चेंज कर लेंगे। जैसे ही चेंज करेंगे फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू में चेक करेगा कि हायर ऑर्डर बिट भी आपका जो वैल्यू है वो भी 9 से ज़्यादा है तो वो भी अपने में 6 ऐड करेगा और कैरी फ्लैग 1 बिट जनरेट कर देगा। तो ये डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का काम होता है ये करना। 15वां कमांड देखिए, इंक्रीमेंट आर। इंक्रीमेंट आर का मतलब क्या है, जो भी रजिस्टर की वैल्यू होगी उसको वो 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, मीन्स आर प्लस 1 रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगा। तो INR B, इसका मतलब क्या है, INR B और B की वैल्यू 10H है तो 10H क्या करेगा अपने में 1 ऐड करेगा, मीन्स 11H हो जाएगा और ये वैल्यू B में रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगी। फिर INRM मतलब मेमोरी का जो भी वैल्यू है, मेमोरी कंटेंट जो भी है वो कंटेंट 1 से इंक्रीज कर जाएगा, ना कि मेमोरी की वैल्यू, लोकेशन नहीं इंक्रीज करेगा उस मेमोरी के, उस इंक्रीमेंट M का मतलब है मेमोरी के लोकेशन पे जाना है। सपोज करिए लोकेशन कहाँ होगा, HL में 2050H और उस 2050H पे क्या पड़ा हुआ है, 30H पड़ा हुआ है, तो 30H अपने आप को 1 से इंक्रीमेंट करेगा मीन्स 31H और फिर से वापस उसी लोकेशन पे सेव कर लेगा। फिर एक है INX RP, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था आपको पहले भी, X का मतलब जहाँ कहीं भी X आएगा वर्ड, इस मीन्स दैट रजिस्टर पेयर की बात होगी, तो देखिए आगे RP लिखा हुआ है, तो INX RP मीन्स रजिस्टर पेयर प्लस 1 हो जाएगा। रजिस्टर कहाँ जाके रिजल्ट कहाँ सेव होगा, RP रजिस्टर पेयर में ही सेव होगा। एग्जांपल सपोज करिए HL की वैल्यू दिया हुआ है 10FF, तो INX H लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि 10FF जो है वो अपने आप में 1 ऐड करेगा, तो क्या बन जाएगा 1100H बन जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर 10FF को 1 से और रिजल्ट को स्टोर करेगा इन द सेम HL रजिस्टर पेयर लोकेशन पे। फिर DCRR की बात कर लें, मींस डिक्रीमेंट करना है रजिस्टर की वैल्यू को, तो यहाँ पे R-1 जो होगा वो R में चला जाएगा, मींस जैसे इंक्रीमेंट R था वैसे ही डिक्रीमेंट R हो जाएगा। सपोज करिए E की वैल्यू दिया हुआ है 20H, अगर इसको डिक्रीमेंट करना है DCRE लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट 20-1 हो जाएगा, तो -1 होगा तो क्या होगा 1FH बचेगा आपका। आप इसको कन्वर्ट करके 8-bit नंबर में कन्वर्ट करिए, फिर इसको चेक करिए, आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू और वो वापस से ही रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगा। उसी तरह से DCRM है,
DCRM में क्या होगा कि जो भी वैल्यू मेमोरी में होगा वो माइनस से क्या होगा, वन से आपका डिक्रीज कर जाएगा। सपोज़ करिए मेमोरी लोकेशन HL है 2050 और 2050 पे क्या पड़ा हुआ है, 21H पड़ा हुआ है, तो वो वन से डिक्रीज करेगा, मीन्स 20H में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वापस से कहाँ जाके सेव हो जाएगा आपका, जहाँ HL रजिस्टर पेयर में डाटा जहाँ पड़ा हुआ था वहीं पर जाके वापस सेव हो जाएगा। और लास्ट है आपके पास DCXRP में यहाँ पे क्या होगा आपका कि डिक्रीमेंट करेगा रजिस्टर पेयर को, तो रजिस्टर पेयर की वैल्यू माइनस वन और वापस से रिजल्ट जाके कहाँ सेव हो जाएगा, आरपी में। तो DCXD है, इसका मतलब क्या है, डी रजिस्टर पेयर में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो एक से डिक्रीज करेगा। सपोज करिए 1020H पड़ा हुआ है डी में, वो माइनस वन हो जाएगा तो 101F बचेगा आपके पास में, और यही सेम वैल्यू जा करके डी रजिस्टर पेयर में सेव हो जाएगी। तो ये टोटल 20 कमांड्स हैं जो कि हमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में पढ़ने हैं, और पिछले वाले में 13 कमांड हम लोगों ने देखा था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में। टोटल 33 कमांड्स आप लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं, इनको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस वो डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाइए। धन्यवाद।